Now, today's topic is balancing of redox reaction by oxidation number method in alkaline medium. Last time हमने किया था acidic medium में. फरक कहाँ पर है? फरक सिर्फ hydrogen को कैसे balance करते हैं. Acidic medium में हमने देखा था कि H plus से करते हैं hydrogen को balance. अब देखेंगे alkaline medium में. पहले मैं एक question देता हूँ, question को करेंगे फिर हमें समझ आ जाएगा. Balance the redox reaction in alkaline medium balance the redox reaction in alkaline medium by oxidation number method. रिएक्शन देख लीजिए. MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस I नेगेटिव एक्वस गिव्स Mn2 प्लस एक्वस प्लस IO3 नेगेटिव एक्वस. ये क्वेश्चन है, इसको हमने अल्कलाइन मीडियम में बैलेंस करना है. एक एक करके अब आप बताएंगे सबसे पहला क्या लिखेंगे. शाबाश सर, इसको पहले मैं फिर से राइट कैसे लिखना है. एक मिनट, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को. हमने MN इसमें अल्कलाइन मीडियम में नहीं बनता है, इट इज MnO4 2 नेगेटिव. MnO4 2 नेगेटिव लिख लो, इसको चेंज कर लो. MnO4 नेगेटिव टू MnO4 2 नेगेटिव में हो जाता है. यस, एक्वस, इसको चेंज कर लो. अब सबसे पहला स्टेप जो हमारा है, दैट इज टू राइट द अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन. लिख लीजिए सारे बच्चे. हमने एक अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन लिख ली. दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया. जो क्वेश्चन था, इट्स अ रूल, सो वी हैव टू राइट इट वंस. स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी लगेगा. बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे. सर, कोई जगह में Mn को एक्सपोर्ट करना है, फिर उसकी वैल्यू -7 आएगी. मतलब हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, राइट, on the their symbols. यहाँ -2, यहाँ +7 आए, right? Aqueous. बहुत अच्छा. I negative as usual. Aqueous. Gives. लिख लो खुद ही. MnO4 ऊपर 2 negative है, तो इसका तो -2 पता है ऑक्सीजन का. X -8 is equal to -2. X is equal to +6. प्लस IO3 नेगेटिव. देखो ऑक्सीजन -2 है, I के ऊपर X मान के चलिए. X -6 इज इक्वल टू -1. X इज इक्वल टू +5. शाबाश. तो ये था दूसरा रूल. हमने हर एक एटम के ऊपर क्या डाल दिया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट. अब तीसरे में हमें देखना है कि इंक्रीज कहाँ हो रहा है, डिक्रीज कहाँ हो रहा है. अब देख लेंगे. अब बताओ Mn +7 से +6 हो रहा है, तो बताओ पर एटम कितना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कितना आएगा. वन वन. जरा अशिता आप बताओ इंक्रीज कितना हुआ. शाबाश. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम. जरा अदिति आप बताओ. सब 5 हुए हैं. अच्छा चलो ठीक है. हाँ देखो बेटा, ये 0 है, ये +1 है,
ये प्लस टू है, प्लस थ्री है, प्लस फोर है, प्लस फाइव, नंबर लाइन, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री, माइनस वन से पांच तक हमने देखना, प्लस फाइव तक। अब खुद देखो कितना, यहां से यहां एक, यहां से यहां दो, यहां से यहां तीन, यहां से यहां चार, यहां से यहां पांच, यहां से यहां छह। या भूल जाते हो, माइनस वन से पहले जीरो जाएगा एक, और जीरो से पांच तक पांच, तो सिक्स आ गया। शाबाश, यहां पर पर एटम सिक्स है ये, ठीक है बेटा। सो डिक्रीज हुआ पर एटम वन और इंक्रीज हुआ पर एटम सिक्स। आप में मुझे बता सकती इस क्वेश्चन में टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज कितना होगा? सेम ही है ना, क्योंकि इंक्रीज सिक्स हुए, डिक्रीज वन हुआ है। क्योंकि एक ही एम एन है और एक ही आई नेगेटिव है, सो यही डिक्रीज इंक्रीज हो गया। तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में यही लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप में यही लिखूंगा मैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल इंक्रीज रादर, नॉट इंक्रीज, टोटल, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स, जितना पर एटम उतना ही हुआ, एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, वन। अब बताओ इनको क्या करना है, ये सेम होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, जहां डिक्रीज हुआ उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेम रूल जो अभी तक किया, सिक्स से, तभी तो बराबर आएगा ना, करेक्ट। अब जहां डिक्रीज हुआ, डिक्रीज किस में हुआ, एम एन ओ फोर नेगेटिव में, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सिक्स से, तो लिखेंगे नेक्स्ट हम यही, सिक्स टाइम्स एम एन ओ फोर नेगेटिव इस स्टेप में, शाबाश, प्लस आई नेगेटिव गिव्स एम एन ओ फोर टू नेगेटिव प्लस आईओ थ्री नेगेटिव। अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओरिजिनल रिएक्शन में जो है वही मैंने लिख लिया, विदाउट दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने लिख लिया, जो ओरिजिनल रिएक्शन थी मैंने उसी को लिख लिया, ये लेकिन सिक्स आ गया पहले। अब आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या था, जल्दी बोलिए, इसके बाद देख लो कॉपी पर, व्हाट इज द नेक्स्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बराबर करना है। ना, ऑक्सीजन को नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अरे नहीं, उससे पहले एक स्टेप है, वो भूल जाते हो, आपको लिखवाया था, देख लो सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है पहले उनको करना। हाँ चलो मैं लिख लेता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, समझने के लिए फिर मैं लिखूं, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट एच एंड ओ, पहले तो ये होता है ना, आपको याद रखना है ना रूल, रूल किस लिए में, रूल आपके कॉपी में जो रूल है वो होनी चाहिए उधर, तभी तो पता चलेगा, हमें पहले सारे एटम्स को बैलेंस करना है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं, तो इसका मतलब है एम एन यहाँ पर और आई को बैलेंस करना है, आई तो बैलेंस्ड ही है लेकिन एम एन बैलेंस नहीं है दोनों साइड से, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिक्स टाइम्स एम एन ओ फोर टू नेगेटिव और आई तो बैलेंस है, राइट हो गया ये। अब इसके बाद बताइए क्या हमने बता दिया, इसके बाद स्टेप क्या है, किसको बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन, यस, बताओ कितने ऑक्सीजन किस साइड है, 24 24, मतलब तीन ऑक्सीजन ज्यादा है ना प्रोडक्ट साइड में, देख लो, अगर आप चाहे तो अपने हिंट के लिए लिख सकते हैं बैलेंस ओ एटम्स, ये आपको थोड़ा सा इजी करेगा अगर आप ऊपर लिखेंगे भी। अब देखो 24 यहाँ 24 यहाँ, लेकिन आईओ थ्री के तीन वहां से ज्यादा है, सो क्या करेंगे फिर, कोई बता सकता मुझे, जहां से कम वहां से क्या डालेंगे, H2O molecules, H2O, क्या बात, थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दिया, करेक्ट। यहां तक कोई चेंज है उस वाले एसिडिक मीडियम और या इसमें, और इसमें चेंज है कुछ, बिल्कुल नहीं, सेम, पहले लिख लो स्केलेटल इक्वेशन, फिर इसको ऑक्सीजन नंबर लिख लो, फिर निकालो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, फिर निकालो टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज, उसको बराबर करो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट को, मल्टीप्लाई करो सूटेबल इंटीजर, सो दैट टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज बराबर आ जाएगा, फिर बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड एंड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स, फिर लास्ट में हाइड्रोजन, बट रिमेम्बर अब जो है बैलेंस एच एटम, मगर इस वक्त कौन सा मीडियम है,
अल्कलाइन. अगर एसिडिक होता तो क्या करते? जरा बताओ, अगर एसिडिक होता तो क्या करते? H+ आयंस. क्या H+ आयंस लिखते. लेकिन अब ये क्या है? अल्कलाइन मीडियम. अब अल्कलाइन मीडियम में क्या करते हैं? पहले मैं ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन लिखता हूँ दोबारा, फिर दिखाता हूँ आपको. सिक्स टाइम्स देखो बेटा, सिक्स एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस, देखो बेटा आई नेगेटिव थ्री टाइम्स वाटर, आई नेगेटिव प्लस थ्री टाइम्स वाटर, करेक्ट गिव्स सिक्स एम एन ओ फोर एंड आईओ थ्री. Six times MnO4 2O negative plus IO3 negative. All right. ये next time. अब इसको हमने balance करना है, मगर H atoms को balance करना. बताओ जरा पहले H atom कहाँ से ज्यादा है? यहां से 6 H atom है ना? Left side में कितने H atom ज्यादा है? सिक्स एच. राइट साइड में कोई एच है? कोई एच नहीं, जीरो एच. नो सर. तो हमें अब क्या करना चाहिए? सिक्स एच किस साइड आने चाहिए? प्रोडक्ट साइड में, तभी तो बैलेंस हो जाएगा ना. प्रोडक्ट साइड. लेकिन अगर एसिडिक मीडियम होता तो छह एच प्लस डालते. तो यहाँ पर तो क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से बेटा, जब ये परिस्थिति आ जाती है ना, तो आपको जिस साइड से हाइड्रोजन कम है, जरा बताओ किस साइड हाइड्रोजन कम है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड. राइट साइड. प्रोडक्ट साइड. जिस साइड कम है उस साइड उतने ही वाटर डाल दो. कितने वाटर डालेंगे? कितने हाइड्रोजन कम है? मैं पहले नीचे दिखा रहा हूं, तो छह वाटर डालेंगे. ध्यान से सुनिएगा, छह वाटर का मतलब अगर मैं अलग से दिखाऊंगा, ये छह एच प्लस हो गया और छह OH नेगेटिव हो गया. अभी हो गया या नहीं? एक वाटर होता ना, एक H प्लस और एक OH नेगेटिव. छह वाटर का मतलब छह H प्लस एंड छह OH नेगेटिव. छह H तो आ गई, छह H तो चाहिए थे, लेकिन ज्यादा क्या हो गया इससे हमें? ऑक्सीजन नहीं, छह OH ज्यादा हो गई. इस छह OH ज्यादा हो गई. तो हम क्या करेंगे? अगर मैंने छह वाटर यहां डाला, ध्यान से सुनिएगा, मतलब 6H प्लस एंड 6OH डाला और लेफ्ट साइड में डालूंगा 6OH नेगेटिव. जरा आप देख लो, इनको बराबर आ रहा है ना 6 राइट साइड में. मतलब मैंने 6 वाटर डाला राइट साइड में. मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब हो गया 6H प्लस 6OH नेगेटिव. और दूसरे साइड क्या डालना है? 6OH नेगेटिव. जरा बताओ 6OH नेगेटिव 6OH नेगेटिव अगर कैंसिल होगा तो नेट क्या बचेगा? 6H+. मतलब अब शॉर्टकट में क्या याद रखना है? जिस साइड H कम है उस साइड क्या डालेंगे? उतने ही. शाबाश. वाटर मॉलिक्यूल. और एट द सेम टाइम दूसरे साइड क्या डालेंगे? उतने ही OH नेगेटिव. OH के OH तो अल्कलाइन भी शो करता है ना, तो हो गया ना अल्कलाइन मीडियम भी और हाइड्रोजन बैलेंस भी हो गए. राइट right, समझ आ रहा है ना? सो अगर मुझे, अच्छा एक चीज और बताता हूँ. मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मुझे बताइए जरा इसमें आप क्या करेंगे, इससे थोड़ा समझ आएगा. एक रिएक्शन है, इसमें यहां से 10H है टोटल में, लेफ्ट साइड में 10H है, इधर से 3H है. बताओ क्या करेंगे? अल्कलाइन मीडियम में H को बैलेंस करना है, जल्दी बोलिए क्या करेंगे? शाबाश. प्रोडक्ट साइड डालेंगे 7 वाटर और तो हो गया H प्लस आ जाएंगे. ये अल्कलाइन मीडियम में अगर मैं बताऊं रूल लिख लो, क्या लिखेंगे रूल में? एड वाटर मॉलिक्यूल इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड डिफरेंट इन हाइड्रोजन एटम एंड एट द सेम टाइम एड इक्वल नंबर ऑफ OH negative ions on the other side. OH negative ions. समझ आया बेटा? तो अब हम अपने पहले यहाँ करेंगे, फिर हम रूल पर जाएंगे. रूल में लिखना है ये. तो अब देखो बेटा, यहाँ पर 6H, यहाँ पर 6H है, तो मैं क्या करूँ? जल्दी बोलो आप. शाबाश. यहाँ पर क्या डालूंगा? 6 water. और यहाँ पर क्या डालूंगा?
6 OH नेगेटिव आयन। अब दोनों साइड वाटर तो हो नहीं सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे ना, तो नेट रिएक्शन बनाएंगे MnO4 प्लस I नेगेटिव प्लस 6 OH नेगेटिव गिव 6 MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस कितने वाटर आप टोटल में, क्योंकि अब नेट है ना, यहाँ 6 वाटर आए, यहाँ ऑलरेडी 3 थे, तो 3 वाटर आएगा राइट साइड में। तो दिस इज द बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज द रूल नाउ, इन अल्कलाइन मीडियम वी हैव टू ऐड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड डिफरेंट इन एच एटम्स एंड एट द सेम टाइम वी ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव साइड ऑन द अदर साइड। तो आप अपने रूल पर जाइए, वहां पर हमने 3 लाइन्स छोड़ी थी, उस 3 लाइन्स पर लिखना है, जल्दी करो, रूल पर जाइए, शाबाश। वहां पर लिखा था ना ए पार्ट एसिडिक मीडियम, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रूल जहां पर कॉपी पर लिखा था वो हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद बी पार्ट अल्कलाइन मीडियम, लिख लो अल्कलाइन मीडियम में रूल, ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तो पता है जितने एच कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल, ऑन द साइड डेफिशिएंट इन एच एटम्स एंड एट द सेम टाइम एड इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस ऑन द अदर साइड। ये उस रूल में हमने रखा था, जल्दी कर लीजिए, शाबाश, हो गया बेटा ये डन। ओके, नाउ आपने सीखा कैसे करेंगे। देखो अगर आप 1000 प्रैक्टिस भी करेंगे ना क्वेश्चंस, आपको रूल्स पता नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू हैव टू रिमेंबर रूल्स। बस फर्क सिर्फ है, इफ इट इज एन एसिडिक मीडियम बैलेंस एच बाय एच प्लस आयंस, इफ इट इज इन बेसिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम, एड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द साइड डेफिशिएंट इन एच एटम्स, जितने हैं एच एटम्स उतने वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड एट द सेम टाइम एड OH नेगेटिव आयंस ऑन द अदर साइड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा था ना दूसरा मेथड भी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ये आएगा ही आएगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ सेल मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ सेल मेथड इसको बोलते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में भी है वो इसी मेथड से हैं करने के लिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ सेल मेथड। एक्सक्यूज मी सर,